हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह का पाठ स्पीति में बारिश पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैं इसके भाग 1, 2, 3 बना चुकी हूँ, मुझे आशा है आपने देखे होंगे। आज हमारा भाग 4 है, जिन्होंने नहीं देखे हैं उसकी इन तीनों भाग की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, पहले जाकर उसे चेक करें। चलिए आज हमारा पाठ शुरू करते हैं। हम शुरू करने के पहले हम एक बार फिर से देख लें कि हम यहाँ स्पीति नामक स्थान, जो कि हिमालय की गोद में बसा हुआ है, हिमाचल प्रदेश में है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसकी सुंदरता, उसकी भौगोलिक सुंदरता हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। उसी में हमने माने नामक श्रेणियाँ, जो वहाँ की प्रसिद्ध श्रेणियाँ हैं, जो बौद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध हैं, उसके बारे में पढ़ा था। उसके आगे आज हमारे पाठ में है इंपीरियल गजेटियर में माने नाम की जो श्रेणी है उसकी ऊंचाई लगभग 21,646 फीट बताइए। ये तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी शायद, लेकिन पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं हो सकती भैया। पहाड़ कभी भी ऐसा होता है, ऐसे नहीं होता कि पूरी श्रेणी मतलब इक्वल एक जैसे समान ऊंचाई वाली हो। कोई पहाड़ी इतनी ऊंची होगी तो कोई इतनी ऊंची होगी, कोई इतनी ऊंची होगी, कोई इतनी ऊंची होगी, ऐसी अलग अलग श्रेणियाँ होती है। तो पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक जैसी नहीं होगी, इसमें छोटी छोटी चोटियाँ भी होगी। इनकी ऊंचाई 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊँचे बसे हैं, एक या दो 14,000 फीट की ऊँचाई पर है। यह मध्य हिमालय है जिसमें स्पीति घाटी स्थित है। इसके बाहर अगर हम हिमालय को देखते हैं तो एक चोटी ऐसी है जो 23,064 फीट ऊंची है। इसमें और भी बहुत सी चोटियां हैं जो कि 20,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंची हैं। अब ये जो सारी ऊंचाई है, हमें भूगोल नहीं पढ़ना है जो हम इतनी ऊंचाइयों को देखें, ये हमारे अनुमान के लिए है कि हम जान सके वहाँ जाए बिना भी कि वहाँ कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे, कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियाँ होंगी। लेखक बोलता है कि मैं ऊंचाई माप के चक्कर में नहीं हूँ, ना ही मैं ऐसी कुछ होड़ लगाना चाहता हूँ। होड़ लगाना मतलब उसके बारे में मैं आगे हूँ कि मैं तुम आगे हो, ऐसा जो बहस वाला मुद्दा होता है उसके पक्ष में नहीं है वे। वो एक बार बताते हैं कि लोसर में जो कर लिया सो बस है, मतलब कि वो जीवन में एक बार जो करते हैं उसे पूरा मानते हैं और ऊंचाइयों को नहीं देखना चाहते हो, क्योंकि ऊंचाइयों से होड़ लगाना का मतलब हम मृत्यु मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ज़्यादा ऊंचाइयों के बारे में जानना उचित नहीं है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मतलब मान मर्दन करना मतलब कि उसके बारे में और जानना, अधिक से अधिक जानकारी लेना, जो सामने वाला बोले उससे अधिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। यही सारी चीज़ें हैं जो हर इंसान को ऐसा लगता है अपनी शान की बात। देश दुनिया के दूसरी दूसरी दुनिया के जो हमारे ऐसे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे स्थान होंगे, वहाँ पे मैदान होंगे, पहाड़ होंगे, है ना। वहाँ से भी जो युवक युवतियाँ यहाँ पर आते होंगे, पहले तो वो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं। मतलब अगर वो उन्हें ऐसा लगता हो कि वो जहाँ से आए हैं वहाँ बहुत ऊँचे ऊँचे चोटियाँ पर्वत पहाड़ हैं, तो फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। मतलब इंसान के लिए लेखक यहाँ संदेश दे रहा है कि आप ऐसा कहें कि ये पहाड़ इतना ऊंचा है, नहीं नहीं मैंने तो जो पहाड़ देखा है वो इतना ऊंचा है। ये चोटियाँ, जो पहाड़ की चोटियाँ हैं, इनकी ऊंचाई के बारे में आप जो अहंकार पाले हैं कि भाई आप जिस चोटी को देखते हैं वो ऊंची ज़्यादा है, आपको ज़्यादा ज्ञान है ज़्यादा ऊंची चोटी के बारे में, तो ये आपका जो अहंकार है, आप इस अहंकार की बजाय कम से कम पहले अपने अंदर का अहंकार बंद ख़त्म करें। इंसान को अपने अंदर के अहंकार को मिटाना चाहिए, ना कि इन चोटियों के अहंकार को चूर करने के बारे में सोचना चाहिए। जब इंसान अपने अंदर का अहंकार खत्म कर देता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है, बहुत ही साहस और कुवत से यौन में ही प्राप्त हो जाता है। मतलब कुवत मतलब कि हिम्मत ताकत, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा उसको यौवन में ही मतलब जवानी के समय ही उसको ताकत मिल जाती है। अगर इंसान अपने अंदर का अहंकार त्याग दे तो वो शुरुआत में ही बहुत शक्तिशाली और ताकतवर हो जाता है। और इंसान को कभी भी अहंकार की ही बात नहीं है, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है, युवक युवतियां किलोल करे तो यह भी हर्षित होगी। ऐसा नहीं है कि हम युवक युवतियों को यहाँ बोल रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, नौजवान लोगों को नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं की तपस्या का स्थान है, ऐसा नहीं है।
क्योंकि जहाँ सिर्फ तपस्या साधना यही सब हो रहा था इन चोटियों में इस जगह पर, तो उसे स्थान बहुत ही शांत और थोड़ा सा सुनसान हो गया है। तो उसको उसकी सुनसनाहट को दूर करने के लिए, उसकी उदासी को दूर करने के लिए यहाँ नौजवान युवक युवतियों को आना चाहिए, हर्ष उल्लास खुशी का माहौल आसपास फैलाना चाहिए। इस युवा अट्टहास की गर्मी से तो कुछ तो पिघले, यह एक युवा निमंत्रण है, मतलब वो युवाओं को आकर्षित करना चाह रहे हैं इस श्रेणी में आने के लिए, उन्हें बुलाना चाह रहे हैं। एक देखिए चित्र बहुत ही सुंदर सा आपको दिया है, जो बहुत सुंदर चित्र है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ, और ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पीति घाटी में एक वहाँ के राजा का महल जो दुर्ग हुआ करता था उसका चित्र है, क्योंकि ये मैंने इतिहास में देखा है, इसे इसका चित्र इतिहास में भी देखा है कि यहाँ पर जो भारत में दूसरे राजाओं ने हमेशा राज करा है, तो बहुत कम राजा उस क्षेत्र से यहाँ तक पहुँच पाए हैं, और लेकिन बार बार जो पहुँच पाए हैं कभी कभी यहाँ पर उनके आक्रमण की वजह से आज इसकी स्थिति थोड़ी सी दयालु हो गई है, मतलब ख़राब हो गई है, इसे फिर से सुधार की ज़रूरत है। लेकिन ये बहुत ही सुंदर है, हमें यहाँ जाना चाहिए, इसे देखना चाहिए, और लेखक भी आपको इसी के लिए निमंत्रण दे रहा है कि लाहौल की तरह ही स्पीति में भी दो ही ऋतुएं होती हैं। क्या बता रहे हैं, लाहौल में सिर्फ दो मौसम होते हैं, स्पीति में भी दो ही मौसम होते हैं। कहीं षड ऋतुओं का बखान किया है, मतलब लेखक बोलते हैं कि भाई छः ऋतुएँ, षड ऋतुएँ मतलब कि छः ऋतुएँ, छः मौसम होते हैं, है ना, तो ऐसा कहा गया है। तो वो बोलते कि यह अभ्यास दोष के कारण है, मतलब बोले मैंने शायद अच्छे से समझा नहीं था इसलिए ऐसा बता दिया होगा, क्योंकि मौसम यहाँ पर सिर्फ दो होते हैं। जून से सितंबर तक एक अल्पकालिक वसंत ऋतु होती है, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर, चार महीने का थोड़े समय का बसंत का मौसम होता है, बाकी पूरे साल ठंडी का मौसम होता है। मतलब अगर चार महीने आप हटा दें तो पूरे आठ महीने ठंड होती है। बसंत में जुलाई में औसत जो तापमान होता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ठंड में जनवरी में जो औसत तापमान होता है वो 8 डिग्री तक होता है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता है, बसंत के दिन गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती है, और ठंड में क्या है इसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि अगर इतना मौसम इतनी डिग्री कम है तो बर्फ़ और कितना ठंडा होता होगा। स्पीति में बसंत लाहौल से भी कम दिनों का होता है, बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते हैं, ना ही कोई हरियाली आती है, नहीं वो गंध वहाँ कोई खुशबू आती है, क्योंकि बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, क्योंकि बसंत के मौसम में भी यहाँ उतना पानी और उतनी गर्मी नहीं होती है जिससे कि हरियाली वनस्पतियाँ उग सके। अब जब हरियाली वनस्पतियाँ ही नहीं होगी तो गंध कहाँ से है, गंध मतलब खुशबू, खुशबू कब होगी जब फूल होंगे, तो फूल ही नहीं खिलेंगे तो कहाँ से खुशबू आएगी। दिसंबर से घाटी में फिर से बर्फ़ गिरने लगती है और अप्रैल मई के महीने तक यहाँ गिरती है, या ठंडक में भी लाहौल से ज़्यादा पड़ती, लाहौल से स्पीति में ज़्यादा ठंड होती है, नदी नाले जो है वो सब जम जाते हैं यहाँ पर, और हवाएं बहुत तेज चलती है, क्योंकि खुला खुला सा मैदान भी मिलता है, और मुंह हाथ जो खुले अंग है उसमें शूल की तरह, मतलब ऐसे कांटे होते हैं ना, आपने देखा वो ठंड के मौसम में हमें जब ठंड लगती है सुबह सुबह तो हम बिल्कुल हाथों को यूं दबाने लगते हैं, यूं करके, मतलब वो हमें ऐसे कांटे कांटे जैसा चुभता है। तो यहाँ इतनी सी ठंड में जब हमें इतना ठंडा लगता है तो वहाँ तो बर्फ़ गिरती है, कितना ठंडा होता होगा, तो बिल्कुल कांटों की तरह चुभता है हमें। और स्पीति में लाहौल से भी कम बारिश होती है, मतलब हर तरह से लाहौल से थोड़ा सा पीछे रह रहा है वो, मतलब कि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ लाहौल के मुकाबले, और मध्य हिमालय मानसून की पहुँच पर से परे है, मध्य हिमालय जो है वहाँ मानसून जाता ही नहीं है, मतलब बारिश होती नहीं है, तो बरखा बहार तो है ही नहीं यहाँ पर, मतलब बारिश के मौसम का आनंद नहीं है। कालिदास ने जो उनकी पुस्तक लिखी है, जो उनका महाकाव्य है ऋतु संहार, जो इन्होंने ऋतु संहार लिखा है वो हमारे प्रकृति के वर्णन को देखते हुए लिखा है, और इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे वर्षा बारिश के बारे में मौसम का वर्णन किया हुआ है। तो ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा, क्योंकि तो ऋतु संहार में सारी ऋतुओं का वर्णन है, बरखा ऋतु सब ऋतुओं की रानी मानी जाती है, सबसे सुंदर कहा जाता है बारिश को, बरखा ऋतु को, वर्षा को, तो कहें कि यहाँ पर बारिश का संहार करना है, मतलब बारिश को आप नाम मत लो, बारिश यहाँ होती ही नहीं है। कालिदास में वर्षा का क्या ठाट है, यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। कालिदास जो ऋतु संहार में बारिश के बारे में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रिय
जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ, बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस राजा ओसा ठाटबाट बनाकर आ पहुंचा है। मतलब बरखा ऋतु को, बारिश को क्या बोलते हैं कि उसमें जल की फुहारें, मतलब बारिश की पानी की फुहारें भरी हुई है। किसमें भरी रहेगी पानी की फुहारें? बादल में भरी रहेगी। और वो बादल हमेशा काले काले, हाथी जैसे काली होता काला होता है, ऐसे काले काले बादल धीरे धीरे, जैसे हाथी धीरे धीरे चलता है मतवाली चाल में वैसे चलते हुए, और हमेशा बादलों के बीच से बिजलियां चमकती है, वैसे बिजलियों के चमकते हुए और झंडियों को फहराता हुआ, बादलों की गरज, क्योंकि जब बिजली चमकेगी तो बादलों की गर्जनाहट भी आती है, और जब बादल गरजते हैं तो नगाड़ों की जैसी आवाज आती है, बड़ी बड़ी भारी भारी आवाज आती है। और ये कामी जनों का प्रिय, क्योंकि तो जो लोगों के मन में काम वासना होती है, मतलब प्रेम की वासना होती है, उन लोगों को ये बहुत ही प्रिय होता है। और ये सारा इन पावस राजाओं के पास, मतलब जो लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, इसे याद कर रहे हैं, उसको इसके इंतजार में बैठे हैं, उन लोगों के पास बड़े ठाट बाट से ये मौसम आता है, मतलब बरखा ऋतु आती है। ये पावस यहाँ नहीं पहुँचता है, वो बताना चाह रहे हैं कि स्पीति में पावस नहीं आता है, मतलब बारिश नहीं आती है। कालिदास की वर्षा की जो शोभा है वो विंध्याचल पर्वत के वहाँ है, मतलब हमारे मध्य प्रदेश के जो नर्मदा नदी के आसपास, वहाँ के बारे में बताया गया, वहाँ का वर्णन है ऋतु संहार में कालिदास के, हिमालय हिमाचल का नहीं है कोई वर्णन उसमें। वो नहीं जानता है कि इसका लालित्य लाहौल स्पीति के नल नारी समय नहीं समझ पाएंगे। मतलब वो कहते हैं कालिदास ने जब अपना ग्रंथ लिखा था तो वो ये बात नहीं कि जानते होंगे कि हिमाचल जैसी जगह पर भी कुछ ऐसे जगह होगी जहाँ के नर नारी यहाँ की स्थितियों को नहीं समझ पाएंगे, कि बारिश का जो आपने वर्णन करा है उसको सुनकर उसका आनंद लेने के लिए बारिश को देखना तो होगा, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो इस बारिश को देख ही नहीं पाते हैं, तो वो इसका आनंद कैसे ले पाएंगे। और बरसात में नदियाँ बहती है, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, जंगल हरे भरे होते हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब बारिश के मौसम में क्या होता है, नदियों में पानी हो जाता है, बादल से पानी बरसता है, हाथी जो है बारिश में चिंघाड़ चिंघाड़ के, हाथी का चिल्लाना चिंघाड़ना कहा जाता है, चिंघाड़ना शब्द का मतलब होता है हाथी का चिल्लाना, वो चिल्लाते हैं, जंगल पूरे हरे भरे हो जाते हैं, और प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियाँ रोती कलपती है, क्योंकि प्रियतमाएँ अपने प्रेमी को याद करती है, बारिश में मोर नाचते हैं, बंदर चुप मार कर गुफा में जाके छुप जाते हैं। यही सब वर्णन कालिदास ने करा है। लेकिन कालिदास अगर यहाँ आकर कहे अभी अपने बहुत से सुंदर गुणों में सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली पेड़ों की टहनियों और बेलों को सच्ची सखी, मतलब कालिदास के जो वर्णन है, जो उनके शब्द लिखे हैं, वो इतने सुंदर होते हैं कि शब्द को पढ़ते पढ़ते उसका चित्र आपके सामने आता है, कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियाँ, मतलब स्त्रियाँ सुंदर किन गुणों से लगती है, या तो वो सुंदर होती है, सुमीठा बोलती हैं, उनके हाव भाव भंगिमाएँ बहुत सुंदर होते हैं, जिससे वो स्त्रियाँ दूसरों को सुहाती है लुभाती है, और स्त्रियों का जी खिलाने वाली, मतलब पेड़ों की टहनी और बेलों की सच्ची सखी, तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु, क्योंकि ये बारिश है जो स्त्रियों को खुश करती है, और पेड़ों की टहनियों और बेलों लताओं की सच्ची सखी क्यों कहा है इसको, क्योंकि बारिश से चारों तरफ हरियाली हो जाती है। ये वर्षा ऋतु अपने मन में सब साधे पूरी कर देती है, मतलब मन के सारे अरमानों को पूरा करती है, मन की सारी इच्छाओं को पूरा करती है। लेकिन जो स्पीति में रहने वाले नर नारी हैं वो पूछेंगे कि भैया ये देवता कौन है, पूछेंगे कि ये देवता कौन है, ये कहाँ रहता है, और हमारे यहाँ क्यों नहीं आता, बारिश उनके यहाँ आती नहीं ना, बोलेंगे बारिश हमारे यहाँ क्यों नहीं आती। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है, बारिश के मौसम में वर्षा ऋतु में या मन की साध पूरी नहीं करती है, धरती सूखी रह जाती है, मतलब बारिश कभी कभी होती है और बहुत कम होती है, जिससे उन लोगों के मन की इच्छाएँ पूरी नहीं हो पाती, कि जैसे बारिश, अगर एक बारिश होने पर हरियाली थोड़ा ना आती है, अच्छी बारिश होती है तभी तो हरियाली आती है, तो यहाँ बारिश उनके मन की इच्छा को पूरा नहीं करती है। इस स्थिति में साल में एक फसल होती है, मुख्य फसलें यहाँ की जो है वो दो किस्म की है, जौ गेहूँ मटर और सरसों। जौ आप समझते हैं, जो गेहूँ के साथ ही जौ होता है, थोड़ा कड़क वाला अनाज होता है, गेहूँ आप समझते हैं, मटर मतलब बटले, और सरसों भी आप समझते हैं, जो हम पीली पीली फूल होते हैं जिसके, सरसों हम लोग हमारे खाने में जो राई बोलते हो आप, जैसा ही सरसों होता है,
इनमें भी जो मुख्य फसल है इनके यहाँ की सिंचाई का साधन पहाड़ों से जो नालों में बह के पानी आ रहा है उन पर बनाए कूल, मतलब उनको इकट्ठा कर रखा है, एक एक खड्डे जैसा बना बना कर उनको इकट्ठा कर रखा है और वो नालियों से आके पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता है। और स्पीति नदी का जो तट है वो इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता है। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है, पर शर्त क्या है, इसलिए कि स्पीति में जल उलीचा जाए या फिर पानी कहीं से पहुंचा, उलीचना मतलब भर भर के डालना, इधर से भरना उधर डालना, ऐसे उलीच उलीच के अगर स्पीति में कोई पानी भर दे, क्योंकि बारिश से तो पानी आता नहीं है वहाँ, ना ही जमीन में से खोद के पानी निकाला जा सकता है, तो फिर वहाँ खेती हो सकती है ज़्यादा। और वहाँ पानी का कोई और स्रोत नहीं है, स्पीति में कोई फल नहीं होता है, कोई भी फल नहीं उगता है, मटर और सरसों को छोड़कर कोई भी सब्जी नहीं होती है। शायद ऊंचाई, वायुमंडल का अलग होना, दबाव कम हो जाता है वायुमंडल का, ठंड बहुत ज़्यादा है, बारिश कम है, इन सब कारणों से यहाँ पेड़ नहीं होते हैं, इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। मतलब ये बता रहे हैं कि स्पीति की जो जगह है बहुत ही सुनसान है, यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है। बारिश ये एक ऐसी घटना है जो बहुत सुखद सहयोग दे सकती है, मतलब इन लोगों के लिए एक तरह से एक चमत्कार समझे, अगर वहाँ बारिश हो रही तो वो उसको चमत्कार समझेंगे। और हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे, मतलब लेखक बता रहा है कि ये सब घूमने के बाद हम काजा के डाक बंगले में, जहाँ डाक बंगला जहाँ जाने वाले यात्रियों के ठहरने का स्थान होता है, क्योंकि हर जगह तो होटल रेस्टोरेंट होते नहीं हैं, तो वहाँ डाक बंगलों में रहने की व्यवस्था सरकार की तरफ से होती है। तो लगा कि कोई खिड़की खड़खड़ा आ रहा है, आधी रात का जो पिछला पहर था, मतलब आधी रात के बाद की बात है, सुबह होने वाली है, इस समय कौन है, लैंप की लो तेज करके, मतलब जो नाइट लैंप होता है ना बत्ती वाला, उसको थोड़ा बड़ा करके उससे उजाला बढ़ गया है, और खिड़की का एक पल्ला खोल के देखते हैं तो तेज हवा का जो झोंका है वो पूरा हाथ पैर को छीलने लगा है, मतलब इतनी ठंडी हवाएं का शरीर को छीलने लगी है। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, मतलब बंद कर दिया, और उसकी आड़ से देखता हूँ कि बारिश हो रही है, मतलब चमत्कार हो रहा है, और उसे देख नहीं रहा हूँ सुन भी रहा हूँ, अंधेरा ठंड हवा का झोंका ये सब आ रहे हैं, बारिश दिखाई नहीं उन्हें सुनाई भी दे रही है, जैसे बर्फ का अंश तुषार जैसी बूंदे पड़ रही है, मतलब जो सुबह सुबह की ओस की बूंदे होती ना ऐसी बूंदों की जैसा लग रहा है, और नगाड़े की थाप पड़ रही है, मतलब जो हवा के तेज तेज थपेड़े हैं उससे ऐसा लग रहा है जैसे नगाड़े बज रहे हैं, और दुंग छेन की हवा बज रही है, और महाशंख की ध्वनि आ रही है, मतलब इतनी तेज हवा है जैसे महाशंख बज रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, और स्पीति की घाटी में बारिश हो रही है, कमरे में ठंड बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे जब बारिश होती है तो हमारे यहाँ भी आसपास ठंड बढ़ती है, तो वहाँ तो पहले ही इतना ठंडा है, और वो बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया, और सुबह उठ के चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे थे कि हमारी यात्रा शुभ है, स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई, मतलब वहाँ बारिश होना इतना आनंददायी है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बारिश आती है और जाती है, हम इतना उसको मनमोहक नहीं समझते, ना ही इसका इतना महत्व समझते हैं, लेकिन जिस जगह पर वो नहीं है वो उसका असली महत्व समझते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमेशा हमारे पास जो होता है हम उसका महत्व नहीं समझते, और जो हमारे पास नहीं होता है हम उसके पीछे भागते हैं, तो हमें हमारे पास रहने वाली चीज़ों का महत्व समझना चाहिए, और ऐसे दुर्गम स्थानों की यात्रा अवश्य करना चाहिए जिससे कि हम उन्हें जान सके और प्रकृति की ओर पास आ सके। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस पाठ के मेरे सारे भाग देखें, चार भाग में बना हुआ है, और घर पर भी पुस्तक से इसका अभ्यास करें जरूर। धन्यवाद।